और इस बीच देखिए छठ पूजा को लेकर लोगों का जो घर जाने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। मुंबई से कई लोग छठ पर अपने घर जाने के लिए निकले तो, लेकिन भीड़ के चलते कई लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिली। वहीं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बिहार के रहने वाले लोग छठ पर घर जाने के लिए बेताब हैं। यहाँ भी लोगों की बहुत भीड़ नजर आ रही है। हालांकि रेलवे की ओर से काफी इंतजाम किए गए, कई ट्रेन भी चलाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके रेल यात्रियों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मदीहा खान इस वक्त मौजूद हैं। नम्रता दुबे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही शशांक कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदीहा का पहले रुख करते हैं और जानते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की भीड़ आप देख रही हैं छठ पर्व पर उन लोगों की जो घर जाना चाह रहे हैं। मदीहा, देखिए जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, खास तौर से पूर्वांचल की तरफ घर जाने की लोगों के अंदर बेताबी भी है। जैसे आपने भी कहा भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन नई दिल्ली का क्या हाल है वो कैमरा पैन करके दिखाना जरूरी है। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ भीड़ है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था और जिस तरह से भीड़ को मैनेज करने का काम फिलहाल कुछ दिनों से लगातार प्लानिंग के साथ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा जरूर मिल रही है, भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक वक्त पर बहुत सारे लोगों का जो हुजूम है वो कंट्रोल में है, क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो बनाए गए हैं। और देखिए जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये गेट नंबर 10 बनाया गया है, बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स हैं। यहां पे जो टिकट चेक करते हैं वो है सिर्फ रिजर्वेशन, जिन लोगों का है, जिन लोगों की बुकिंग है उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा बैठने का इंतजाम कई घंटे पहले, लोग दूर से भी आते हैं यहाँ स्टेशन पर, उनके लिए बड़ा पंडाल लगाया गया है, व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर करने की कोशिश की गई है ताकि कुछ राहत यात्रियों को मिल सके। नम्रता का रुख करते हैं मुंबई में रेलवे स्टेशन पर, क्या है तैयारियां, आप तो प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही हैं मुझे नम्रता। जी बिल्कुल, एलटीटी स्टेशन पर हूँ, पवन एक्सप्रेस यहाँ पर लगी है, लेकिन लोगों को ट्रेन के अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। मैं आपको गेट की तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर एक दूसरे को लोग धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है। आप स्थिति देखिए रोमाना, ऐसे एक सीट पर 5 जन बैठ कर जाएंगे, आप लोग ऐसे कितने घंटे ट्रेवल करेंगे? कम से कम 36 घंटा। आप लोग को टिकट मिला अंदर? आप लोग ऐसे कितने घंटे तक जाएंगे? 36 घंटा। नहीं। तो ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर गेट पर भी कई लोग खड़े हैं और एज पर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि लटक कर ऐसे ही जाएंगे। आप देखिए लोग अंदर जाने के लिए जगह नहीं ले पा रहे हैं। जी। आप लोग लटक कर ऐसे ऐसे इस पे खड़े होकर जाएंगे? पा रही इतनी सफोकेशन है यहाँ पर, सांस लेने के लिए जगह नहीं हो पा रही, इतनी गर्मी है। और देखिए एज पर लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि ऐसे 36 घंटे वो ट्रैवल करेंगे, अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? कम से 24 घंटा का सत्रह करेंगे, क्या करें, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है तो क्या करें, कोई ट्रेन नहीं है। आप लोग अंदर नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पा रहे मैडम, कहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर, इतना भीड़ है। देखिए पवन एक्सप्रेस की तस्वीर है, यहाँ पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जगह बिल्कुल नहीं है, एडजस्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। कैसे जाएंगे आप लोग ऐसे खड़े खड़े? क्या करें, है ही नहीं कोई साधन तो क्या कर सकते हैं। रेलवे तो कह रहा है स्पेशल इधर चल रहा है, देखिए कितने घंटे खड़े रहे, 36 घंटा। पानी पंखा उनका चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दुश्वारियां हैं लोगों की, अब छठ का पर्व है और ऐसे में लोग उत्साहित रहते हैं घर जाने के लिए। हालांकि रेलवे की तरफ से अतिरिक्त ट्रेन्स जो चलाई गई हैं लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही हैं। मैं जरा जल्दी से अब आपको पटना लेकर चलती हूँ, शशांक हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सबकी मंजिल इस वक्त बिहार ही है। ये दिल्ली से मुंबई से इतनी दुश्वारियां झेलते हुए वो लोग जो पटना पहुंच रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, सफर कैसे कट रहा है उनका? शशांक देखिए रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं लेकिन
ट्रेन में सफर करने वालों की भीड़ रेलवे के अनुमान से कहीं ज्यादा है। मैं पटना जंक्शन पे हूँ। कई ऐसे यात्री हैं जो छठ में विभिन्न जिलों में अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान है। कहाँ जाना है आपको? हमें सर दरभंगा जाना है। दरभंगा जाना है? ट्रेन लेट है? जी जी लेट है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? सर हम तो करीब दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं दरभंगा जाना। आपका क्या नाम है? सोहन कुमार यादव। आपको कहाँ जाना है? मधुबन डिस्ट्रिक्ट। आप कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं? दो घंटे से। कब तक ट्रेन आएगी, कुछ पता चला? कुछ अभी पता तो अपडेट दिखा रहा है जो 5-6 मिनट का, मतलब वहाँ सचिवालय का, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं। अच्छा, देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, छठ में घर जा रहे हैं। जी। कहाँ जाना है? हमको जाना है गोपालगंज। गोपालगंज जाना है? तो आपकी ट्रेन कितनी देर लेट है? 7 घंटे लेट है। 7 घंटे? और आप कितनी देर से यहाँ प्लेटफॉर्म पे? अभी 1 घंटा हुआ खड़ा हुआ। जी। 7 घंटे और इंतजार करना है? जी नहीं, अभी पता किए तो 12:10 में ट्रेन बताए हैं, देखिए कितना लेट होता है। और देखिए भीड़ काफी है, लोग पटना से अपने घर नहीं जा पा रहे क्योंकि ट्रेनें काफी लेट है। माता जी, आपको भी घर जाना है? घर जाना है खगड़िया। ट्रेन लेट है? कमखिया से जाएंगे। लेट है ट्रेन? हाँ लेट। देखिए लोगों को परेशानी यहाँ पे काफी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शशांक, नम्रता आपका भी, मदिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर दिखा देती हूँ, जहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर हालांकि पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जरा यात्रियों की भीड़ देखिए, देख रहे हैं आप, हुजूम है यहाँ पर यात्रियों का। छठ का मौका है, हर कोई परिवार के साथ घर जाकर पर्व मनाना चाहता है, साल भर इंतजार करता है घर जाने का, छठ के पर्व का, कि पर्व भी मना लिया जाएगा, परिवार से मिल भी लिया जाएगा, लेकिन यही सफर दुश्वारियों भरा नजर आ रहा है।